आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं, रोते रोते गला बैठ जाता है। जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, कभी उनके परिवार से मिलिए। एक अजब सी शून्यता होती है उनके आंखों में, मानो इंतजार में पथरा सी गई हो वो आंखें। कभी कोई बस याद भर दिला दे, उन्हीं पथराई आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माँ का कलेजा फट सा जाता है। नमस्कार दोस्तों, देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 5 अप्रैल 2021 को बीजापुर के तरेरम में शनिवार को हुए नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त हुए सब इंस्पेक्टर दीपक भरद्वाज उन जाबाज सिपाहियों में शामिल थे जिन्होंने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद की परवाह नहीं की। उन्होंने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने कुछ साथियों को बचा लिया था, लेकिन तभी एक ब्लास्ट हुआ और बहादुर दीपक वीरगति को प्राप्त हो गए। दीपक जांजगीर के माल खरोदा के रहने वाले थे। यह जगह बीजापुर से करीब 600 किलोमीटर दूर है। जब बेटे की शहादत की खबर उनके पिता राधेलाल को लगी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वे तुरंत बीजापुर के लिए निकले। वह अस्पताल में करीब 4 घंटे भटकते रहे, तब जाकर शहीद बेटे का चेहरा देख पाए। राधेलाल कहते हैं कि बेटे के नहीं रहने का उन्हें बहुत दुख है, लेकिन गर्व भी हो रहा है। वह अमर हो गया, उसने बहादुरी दिखाई। दीपक की शादी महज 2019 में हुई थी। कुछ दिनों बाद उसकी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी। बता दें कि इस हमले में 24 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शहीद दीपक के पिता बताते हैं कि जब वो बीजापुर के अस्पताल पहुंचे, तब जवानों के शव लाए जा रहे थे। उन्हें देखकर दिल बैठा जा रहा था। छठे नंबर पर दीपक का शव था। उसे देखकर उनके दिल पर क्या बीती बयां नहीं कर पाए। बता दें कि नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के 700 जवानों को घेरकर हमला किया था। दीपक छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। वे अपनी टीम को लीड कर रहे थे। हमले में घायल एक बहादुर सिपाही ने बताया कि नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग की थी। घायल सिपाहियों को घेरे में लेकर नक्सलियों को जवाब देने लगे। दीपक हैवी फायरिंग करके नक्सलियों को पीछे धकेल रहे थे ताकि वहां से निकाला जा सके। वे 4 से 5 जवानों को वहां से सुरक्षित निकाल चुके थे। तभी आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से वह वीरगति को प्राप्त हो गए। 6 सितंबर 1990 को जन्मे दीपक ने 16 सितंबर 2013 में छत्तीसगढ़ पुलिस ज्वाइन की थी। तब उनकी उम्र महज 23 साल थी। वे पहले भी कई नक्सली ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके थे। इस बार नक्सलियों ने धोखे से उन पर हमला कर दिया। मां परमेश्वरी को सिर्फ यह बताया गया था कि दीपक घायल है, लेकिन पिता को अंदेशा हो चुका था। दीपक का शव तारमेर थाना क्षेत्र के जीवन गुंडा इलाके में एक पेड़ के पास मिला था। दीपक के पिता बताते हैं कि होली पर उनकी बात हुई थी, लेकिन तब वो बहुत बिजी था, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। दीपक पढ़ाई में बहुत होशियार था। दीपक के साथी बताते हैं कि वह हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते थे और दूसरों का हौसला बढ़ाते रहते थे। दीपक ने 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय मल्हार से की थी। वे बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। वर्ष 2019 में उनकी शादी हुई थी। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि दीपक जी की बलिदानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जब तक 16 चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी जी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।